पीस बिगिंस व्हेन एक्सपेक्टेशन एंड्स। कितनी सच्ची बात कही भगवान बुद्ध ने, शांति चाहिए तो मोह और तृष्णा को त्यागना ही होगा। भगवान बुद्ध की धरती है बोधगया, जिसे हम बिहार की आध्यात्मिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। यहां रग रग में बुद्ध हैं और यहीं आपको कई जगह महान सम्राट अशोक के शासनकाल के बने भगवान बुद्ध के स्मारक और शिलालेखों के दर्शन होते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमारी हर पीड़ा का, हमारे हर दुख का कारण हम स्वयं हैं। हमारी हर परेशानी हम ही से शुरू होती है और हर परेशानी को हम ही हर सकते हैं। जो धर्म इस सत्य की नींव पर खड़ा है, वो धर्म है बौद्ध धर्म। सदियों से हमारा समाज जातिवाद का शिकार रहा है, वर्णों में बटा रहा है। एक वक्त था जब हमारे समाज में किसी व्यक्ति की पहचान उसके वर्ण से हुआ करती थी, उसके जन्म से हुआ करती थी। लेकिन तब कोई था जिसने खड़े होकर ये कहा था कि इंसान अपने कर्मों से ब्राह्मण बनता है, अपने जन्म से नहीं। ये सोच जिस महात्मा की थी, या इस सोच को शब्दों में जिस महात्मा ने समाज के सामने रखा था, उस गौतम बुद्ध की ये नगरी बोधगया में आने का सपना कई वर्षों से मेरे मन में था। आज वो सपना भी पूरा हो गया। इस कड़ी में करूंगा दर्शन उस पेड़ के जिसके नीचे भगवान बुद्ध को हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। गया शहर में जाऊंगा फल्गु नदी के किनारे बने प्राचीन विष्णुपद्दी मंदिर, जहां पूर्वजों को पिंडदान का है खास महत्व। होंगे कुछ मीठे पल गया शहर की प्रसिद्ध अनरसा, तिलकुट और लाई के साथ। जाऊंगा जैन धर्म के तीर्थ स्थल कमल सरोवर से सजे खूबसूरत जल मंदिर। राजगीर में बिहार के सबसे पुराने रोपवे से पहुंचूंगा रत्नागिरी पहाड़ियों में बने विश्व शांति स्तूप। जानेंगे कैसे फिर से जन्म ले रहा है प्राचीन नालंदा। खो जाऊंगा हमारे देश के समृद्ध इतिहास में, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों में। कि आज की तारीख में जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनका ब्लूप्रिंट जो है वो यहीं से आया था। बिहार की राजधानी पटना से बुद्ध नगरी बोधगया लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के चार पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह वही स्थान है जहां गौतम बुद्ध को आम युग पूर्व छठी शताब्दी में बौद्धत्व यानी एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित इस मंदिर की बुनियाद 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक द्वारा रखी गई थी। सोचिए, ये किसी धातु का नहीं बना हुआ, ये पत्थर का बना है। आज बोधगया में हर साल हजारों लोग शांति की तलाश में बर्मा, श्रीलंका, भूटान, जापान, थाईलैंड, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से आते हैं। क्या आप जानते हैं कि बौद्ध भिक्षुक को भंते जी कह के संबोधित किया जाता है? और इस समय मेरे साथ में है डॉक्टर दीनानंद भंते जी, जिनके कंधों पर इस पूरे मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी है। नमस्कार। नमस्कार। सिद्धि प्राप्ति का मतलब क्या होता है? मोह, लोभ, द्वेष, माया जाल से मुक्ति पाना, जिसको तृष्णा कहते हैं। दिस लुक सो नाइस, आई नीड इट, ये तृष्णा है। तो जो उनके पास में जितना भी तृष्णा था वो वहाँ पर ही उनको समाप्त हुआ था। पर एक आम आदमी के लिए सिद्धि प्राप्त करना तो थोड़ा मुश्किल है। मध्यम मार्ग अपनाओ, यही तो बुद्ध को कहना है, न नीचे जाओ न ऊपर जाओ। बचपन में हम लोग किताबों के अंदर एक मंत्र पढ़ा करते थे जी, बुद्धम शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, ये पाली वर्ड्स है, मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं उनका
जो बताया हुआ रास्ता है, धर्म है, उन्होंने जो सिखाया है, मैं उनको रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, जितने भी संघ हैं संघ में रहने के लिए कोशिश करता हूँ। मंदिर की कोई खास बात बताना चाहेंगे आप? ये बौद्धों का एक गढ़ है, बुद्ध का पहचान मिला था, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। और बोधि बीच इसके जस्ट मंदिर के पश्चिम साइड में है, जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने बुद्धत्व की प्राप्त किया था और बुद्ध कहलाए थे। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तब उस बोधि वृक्ष का भी जन्म उसी स्थान पर हुआ था, उसी का ये शाखा चलते आ रहा है। तो ये कौन सी पीढ़ी है? ये चौथा पीढ़ी है। पंत जी, ऐसा कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मेडिटेट कर रहे थे और जब उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, तब उनसे जब पूछा गया कि उन्हें क्या दिखा, तो उन्होंने कहा था शायद कि उन्हें रोशनी नजर आई। जब ज्ञान की अंतिम ये जो क्षण चल रहा था, तो देवता लोग का एक परीक्षण था कि ये कैसे हो सकता है, तो तपस्या को भंग करना चाह रहे थे। फिर भी उन्होंने अपना आँख नहीं खोला और वैशाख पूर्णिमा का दिन था, रात्रि का समय था और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति की। हमारे बहुत सारे महापुरुषों को वृक्षों के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महाबोधि मंदिर के बीचों बीच स्थित है मूचालिंडा सरोवर, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के ध्यान के छठे सप्ताह में एक बहुत बड़ा तूफान आया था और उस समय नागराज मूचालिंडा ने इस सरोवर से निकलकर भगवान बुद्ध को अपना आश्रय प्रदान किया था। सिद्धि तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन यह जरूर सिद्ध हो गया कि जिस खुशी और शांति के लिए हम लोग यहां वहां दौड़ते हैं, वो यहां है। गया शहर के विभिन्न रंगों को करीब से देखने और महसूस करने मैं निकल पड़ा उसकी गलियों में। विष्णु पद, जानते हैं ये क्या है? इन्हें शालिग्राम कहते हैं। ये नारायणी गंडक में मिलते हैं और मानने वाले इसमें विष्णु का रूप देखते हैं और इनकी पूजा करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैंने रग रग में गंगा नहीं किया होता, तो क्या मैं अपने देश के ये छोटे छोटे शहर देख पाता? क्या मैं कभी सोचता कि मैं गंडक नदी देखने जाऊंगा या फाल्गु नदी देखने जाऊंगा? शायद नहीं। ये सब कुछ संभव हुआ है माँ गंगा की बदौलत से। कहते हैं जीवन की बड़ी खुशियां छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं। निकल जा रहे, पकड़ लूंगा मैं, आगे आ जाऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, मैं जीत गया। बुद्ध की परिक्रमा करके अब मैं आ गया हूं भगवान विष्णु की दुनिया में। फल्गु नदी के किनारे मोक्ष की धर्मशिला के नाम से जाने वाला ये प्राचीन मंदिर अपने अंदर एक कहानी समेटे है, तो हमें हमारे पूर्वजों को मोक्ष दिलाने की राह दिखाती है। गया का ये विष्णुपद मंदिर एक बहुत ही प्राचीन विष्णु मंदिर है। यूं तो सदियों से यहाँ पर पिंडदान की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस मंदिर का ये वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा दिया गया था। ये ब्लैक ग्रेनाइट पर जो आप खूबसूरत कारीगरी देख रहे हैं, ये उस वक्त जयपुर के कारीगरों ने की थी। हिंदू धर्म के अनुसार मृत आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आप तो जानते हैं कि धर्म के मामले में मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, इसीलिए धर्म को लेकर मेरी जानकारी भी थोड़ी सी कम है। इसीलिए मेरे साथ में है विष्णुपद मंदिर के प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री विठल जी। नमस्कार। नमस्कार विठल जी, ये बताएं कि गया में पिंडदान का इतना महत्व क्यों? गया में जो है ना, गयासुर नाम का एक राक्षस बहुत तप किया था जी। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि गयासुर क्या चाहते हो, क्या चाहना है तुम्हारा? तो उसने कहा कि शरीर से आत्मा जो निकल करके इस मृत्यु भुवन में भटक रहा है, उस आत्मा के शांति के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो मेरा जो है आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपने चरण जो है हमारे ऊपर रखेंगे और आपके चरण के ऊपर जो भी अपने मरे हुए सात गोत्र का
पिंडदान करेंगे उनके सात गोत्र का उद्धार हो। ये इसलिए पूरे पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ है उसके प्राण कहा गया है गया को। शास्त्रों में ऐसा भी बतलाया है कि जो कुछ भी नहीं करता है गया फल्गु नदी में आकर के उनके पैर स्पर्श हो जाता है, उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अगर श्रद्धा है तो समी के पत्र के बराबर भी पिंड देंगे तो पितर को मुक्ति मिलेगा, और नारियल के बराबर भी देंगे तो मुक्ति मिलेगा। अच्छा, हमारे पीछे नदी बह रही है, ये फल्गु नदी है? फल्गु नदी है। फल्गु का जो है महात्म्य शास्त्रों में बहुत बतलाया गया है। गंगा का उत्पत्ति जो है शंकर जी ने अपने जटा में बांध लिया जब गंगा चला वहां से जी। लेकिन गंगा चली कहां से? गंगा जो है भगवान विष्णु के दाहिने पांव के दाहिने अंगूठा से चली है। तो ये जो है भगवान का चरण यहां है और धर्मशिला के ऊपर, और ये धर्मशिला जो है फल्गु नदी के अंदर तक के है, तो वो जो है भगवान के चरण को स्पर्श कर रहा है। इसलिए विष्णु पादो दकी गंगा, इसका जो है गंगा से भी ज्यादा महत्व है। खैर, ये हमारी मान्यताओं का देश है। जो बात समझने की है वो ये कि श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें आप को जरूरत नहीं कि आप लाखों करोड़ों रुपए खर्चे। आप अगर श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जी। फल्गु नदी का हिंदू और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है। इसे बिहार में निरंजना के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई लगभग 235 किलोमीटर है। फल्गु का उद्गम गया के करीब लीलाजन नदी और मोहाना नदी के संगम से होता है, और इसकी धाराएं अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती हैं, जो स्वयं गंगा नदी की एक उपनदी है। सभी जल धाराओं की तरह फल्गु के बारे में भी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, मगर खास बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मन में श्रद्धा है तो हर बूंद में गंगा है। आगे है, जानूंगा क्या है राज गया शहर की मिठास का। कमाल है, कमाल है, कमाल है। पावापुरी में होंगे दर्शन भगवान महावीर की निर्वाण भूमि के। पहुंचूंगा विश्व शांति स्तूप जो दर्शाता है भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न पड़ाव। देखिए, अगर जीवन में मीठे अनुभव ना हो तो जीवन जरा नीरस हो जाता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा या आपका जीवन कभी नीरस हो। तो चलिए आज मिठास बढ़ाते हैं गया शहर का कुछ प्रसिद्ध मीठा चक्कर। इस बार गया के अंदर जब मैं आया तो मैंने हर जगह पे तिलकुट 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 पड़ा। तो मैंने कहा ये तिलकुट क्या होता है, ये जानने के लिए मैं इतनी भीड़ वाले मार्केट के अंदर खोज निकाले हैं आपको हम। अब ये बताइए कि तिलकुट होता क्या है। ये पहले पूर्वज जो थे वो माटी की हांडी होती थी पहले, उसमें वो तिल को गर्म करके उसमें चाशनी बना करके लोहे के खल से उसको कूटते थे। तो तिलकुट, हाँ, तिल गर्म होता है, शरीर के लिए गर्मी जरूरी है जाड़े के दिनों में। तो ये तिलकुट जो है लोग जाड़े के दिनों में बहुत पसंद करते हैं। बेहतरीन, गज्जक के काफी करीब है। दोनों आइटमें सेम है, उसमें भी तिल और चीनी है। हाँ। इसमें भी तिल और चीनी है, अपने अपनी बनाने की कारीगरी अलग अलग। पानी की कारी। हाँ। कारीगरी है एक्चुअल में, ये ऐसे नहीं बन जाता भैया। आपको सलाम है साहब, सलाम है। ये तो तिलकुट हो गया। हाँ। इसके अलावा ये दूसरा आइटम है यहाँ का जो सबसे फेमस है वो है अनरसा। अनरसा? हाँ। अनार नहीं, नहीं, ये चावल का आटा से जिसको अन्य लोग बोलते हैं। हाँ। और उसमें जो है चाशनी दिया जाता है, अन्य रसा। ये देखिए पूरा बीच में मावा भरा जाता है। तो ये है अनरसा, अन्न से बनता है, अंदर रस होता है। अब आप ही मुझे बताइए, अगर मैं ये शो नहीं करता तो क्या मुझे कभी अनरसा चखने का मौका मिलता? ये आइटम जो है आपको और इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। कमाल है, कमाल है, कमाल है। मजा आ गया, क्योंकि एक्चुअल में मैंने कभी ना तो अनरसा के बारे में सुना था। स्वाद तो छोड़िए, अनरसा एक ऐसा चीज है कि ये चावल का ऊपर लेयर है जी, उसको फ्राई करने के बाद ये हार्ड हो जाता है जो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण इसका स्वाद खराब नहीं होता। सर आप तो मिठाइयों के साइंटिस्ट हैं। और तीसरा आइटम ये लाई होता है। अब बहुत दुर्गा बात, थोड़ा बिहारी भाषा में बतलाइए ना हमसे। ये जो है नदी के किनारे खुबिया दाना का पेड़ हो वेला। हाँ, एकरा में खोवा मिक्स करके चाशनी मिला करके एकरा बना दे वाला। इस फलार में भी खाला, ऐसे भी खाला। अरे क्या बोल डाला, ये हुई ना बात, ये हुई ना मिठास। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। ऐसी कोई जगह है क्या हमारे देश में? शायद होगी।
कमल सरोवर से सजी ये धर्मस्थली मानव को सुख शांति और प्यार का अनमोल सबक हर पल याद कराती है। हम सादगी से कितना सुंदर जीवन जी सकते हैं ये जैन धर्म हमें सिखाता है। कहा जाता है कि जब भगवान महावीर स्वामी यहाँ आए थे तो उस समय हिंसा का बहुत बोलबाला था। ऐसे समय में महावीर स्वामी के अहिंसा के संदेश को राजाओं ने सुना और समझा और इस जगह को अपापपुरी का नाम दिया गया, जिसका मतलब है जहाँ पाप ना हो। आगे जाकर ये जगह पावापुरी के नाम से जग प्रसिद्ध हुई। पटना से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर है पावापुरी, जो कि अहिंसा के सिद्धांत पर खड़े जैन धर्म के लिए एक बहुत ही पावन स्थल है। ऐसा माना जाता है कि आज से 2500 साल पहले जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर यानी उपदेशक भगवान महावीर ने इसी स्थान यानी इस पावनपुरी में निर्वाण प्राप्त किया था, और इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर उनका अग्नि संस्कार हुआ था। उमा जी नमस्कार। नमस्कार। ये अग्नि संस्कार क्या एक आम जो एक अंतिम संस्कार होता है वैसा होता है या कुछ बहुत फर्क होता है? यहाँ पे जैन धर्म के जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी जी, उनका अग्नि संस्कार हुआ था। वो आम आदमी नहीं, देवताओं द्वारा अग्नि संस्कार किया गया था। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर जो धर्म को चलाया है, धर्म को चलाया। कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जी का अग्नि संस्कार में भस्म जब कम पड़ गए, लोगों ने यही समझा कि इनके भस्म तो इन्हीं मिट्टियों में मिश्रित हैं, वही भस्म मिली हुई मिट्टी को उठा उठा के लोग तिलक करना शुरू किए और पूजे के लिए अपने अपने घर ले गए। उसी से गड्ढा बढ़ते बढ़ते कालांतर में आज इतना विशाल सरोवर बना। ये जो हम तालाब देख रहे हैं आसपास, ये इसलिए बना क्योंकि लोग यहाँ से मिट्टी आज भी यहाँ की मिट्टी को उसी पवित्र भावना से घर ले जाते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं। अच्छा, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कमल ही कमल है। इस मंदिर का पूरा नाम है पावापुरी जल मंदिर, पद्म सरोवर कमल सरोवर कहते हैं। ये मंदिर उस समय का है जब भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ था, तो इनके बड़े भाई राजा नंदीवर्धन जी स्थापना करवाए थे। फिर बाद में विभिन्न राजाओं के काल में इसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा। अच्छा, साल में कोई ऐसा खास समय रहता है जब लोग यहाँ ज्यादा? यहाँ हमारे जैनियों में महत्वपूर्ण है कि वो दीपावली मनाते हैं। जैन धर्म इसलिए है कि भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण प्राप्त दीपावली के दिन ही हुआ था। अच्छा, इसलिए ये खास हो जाता है। और उस दिन यहाँ आने को लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि मुझे पावापुरी का एक दीपावली करने का मौका मिला। अच्छा, मैं जानता हूँ जैन धर्म 5 सिद्धांतों पर खड़ा है। अहिंसा बहुत ही पॉपुलर जैन धर्म में पहले से ही यह सिद्धांत है कि किसी प्रकार की जीव की हवा में जोड़ते हुए तैरते हुए उसकी हत्या नहीं हो जाए, उसके भी प्राण रक्षा हो और हमारे भी नुकसान नहीं करे, इसके लिए मास्क। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो का सिद्धांत इसी मगध से पूरे दुनिया को संदेश गया। इस एक सिद्धांत को अगर हम सब समझ लें तो शायद दुनिया बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाएगी। चलिए, चारों तरफ कमल ही कमल है, मेरे नाम का अर्थ भी कमल है। आज एक और कमल यहाँ के लिए, राजीव कमल। भगवान महावीर का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था और उनका बचपन का नाम वर्धमान था। 30 साल की आयु में उन्होंने सारे राजसी सुखों को त्याग कर वन में 12 साल कठोर तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति की और वो महावीर के नाम से जाने जाने लगे। जब भगवान महावीर का निधन हुआ तब उनके बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने यहाँ पर उनके चरण स्थापित किए। आप जानते हैं, आज अगर विश्व में कोई चीज सबसे तेजी से लुप्त होती जा रही है तो वो है शांति। हम कुछ भी हासिल कर लें, कितनी भी कामयाबी हासिल कर लें, कोई भी उपलब्धि पा लें, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो सब कुछ बेमानी है। हम चांद पे क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन अगर धरती पे हमारे मन में शांति नहीं है तो वो उड़ान बेमानी है। बिहार का सबसे पहला रोपवे 1969 में राजगीर के खूबसूरत रत्नागिरी पहाड़ पर लगाया गया था। लगभग 100 कुर्सियों वाले 2200 फीट लंबे रोपवे पर सफर करने के लिए पर्यटकों में इसके लिए काफी उत्सुकता देखने को मिलती है। और मैं समय जा रहा हूँ राजगीर के विश्व शांति स्तूप। ये केबल कार तकरीबन 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है और ये पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर से होकर गुजरता है। बहुत ही खूबसूरत नजारा। बिहार के नालंदा जिले में बना ये सफेद विश्व शांति स्तूप 1969 में अस्तित्व में आया था। बाद में इसे और भव्य और खूबसूरत बनाने का काम शुरू हुआ जो 1993 में पूरा हुआ। 120 फीट ऊंचा यह स्तूप रत्नागिरी पहाड़ी पर 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस विश्व शांति स्तूप की 4 दिशाओं में गौतम बुद्ध की 4 प्रतिमाएं हैं जो उनके जीवन के 4
महत्वपूर्ण अंशों को दर्शाती है। जब उनका जन्म हुआ, जब उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, जब उन्होंने अपने ज्ञान से विश्व को अवगत करवाया और जब उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। पिछले लगभग 50 सालों से यह शांति का दूत बनकर विश्व को शांति का संदेश दे रहा है। आगे जानेंगे कैसे बन रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का नया स्वरूप। जानूंगा प्राचीन नालंदा का भव्य इतिहास। बीते हुए कल को आज बनते देर नहीं लगती। नालंदा के गौरवशाली अतीत को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए नालंदा की तर्ज पर राजगीर में खोली गई है नालंदा यूनिवर्सिटी। हमारे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज के मेंबर्स हैं, इन्होंने सपोर्ट किया कि नालंदा को फिर एक बार जन्म लेना होगा। 2010 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया। इसका जो बेंचमार्क है एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी है। नालंदा और तक्षशिला तो विश्व गुरु रहे हैं, तो एंशिएंट नालंदा में ऐसे था कि शस्त्र और शास्त्र दो ही तरह की विद्या पढ़ाई जाती थी। तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया इन्होंने, इसको पढ़ाया अर्थशास्त्र के साथ, इसको पढ़ाया इन्होंने आयुर्वेदा के साथ, इसको पढ़ाया एस्ट्रोनॉमी के साथ, इसको पढ़ाया गया लॉजिक के साथ। क्लीनिंग ऑफ गंगा ऑल्सो विल बी पार्ट ऑफ, ये भी एक रहेगा, या पोल्यूशन है वाटर मैनेजमेंट में ये भी है प्रोजेक्ट जो नमामि गंगे है, मिनिस्ट्री भी कर रही है, तो इसको भी मूल रूप से ध्यान में रखते हुए हमारे कोर्सेज हैव बीन डेवलप्ड। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल के सबसे महान महाविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने की थी और फिर 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका विस्तार कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और उत्तर भारत के पाला राजाओं के शासनकाल में हुआ था। शंकर जी, नालंदा का पुरास्थल या आर्कियोलॉजिकल साइट मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भव्य है। 1500 साल पुराना, लेकिन पुरातात्विक अवशेष उससे भी पहले मौर्य टाइम से मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये भगवान बुद्ध और महावीर का भी पसंदीदा जगहों में से एक था। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात था उस समय भी, या इसका नाम कुछ और था? नहीं, इसका स्थानीय नाम नालक ग्राम के नाम से जाना जाता था। तो क्या आज वर्तमान में जो विश्वविद्यालय है वो क्या इसी के पदचिन्हों पर चल के आगे वो विश्वविद्यालय बने? दुनिया का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में हम स्वीकारते हैं। मतलब आवासीय मतलब पहला हॉस्टल, यस हम कह सकते हैं। इस चीज आज से 1500 साल पहले 5वीं सदी में देश विदेश से कई दूसरे राज्यों से दूसरे देशों से लोग आकर इतिहास में कहीं ये लिखित है। चीनी यात्री यहाँ आकर के रहे, पढ़े। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग भी यहाँ आए। किस तरह के कोर्सेज होते थे यहाँ पे, किस तरह का ज्ञान दिया जाता था? भले ही लोग मानते हों कि बौद्ध विश्वविद्यालय था, लेकिन कहीं ऊपर था। यहाँ पर धातु विद्या का पढ़ाई, यहाँ पर चिकित्सा विद्या का पढ़ाई, एस्ट्रोनॉमी का पढ़ाई, मेटाफिजिक्स का पढ़ाई होता, मेटलर्जी साइंस का होता था, व्याकरण का होता था, कई भाषाओं का पढ़ाई होता था यहाँ, धर्म का, दर्शन का। ऐसा लगता है कि आप मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने कहा 12वीं शताब्दी में लगभग बंद हो गई, कोई कारण था बंद होने का हमारे पास? ऐसा भी माना जाता है कि 12वीं शताब्दी तक आते आते राजनीतिक परिवेश बदल रहे थे। उस समय कई ऐसे संगठन ऊपर आ रहे थे जो दूसरे राज्यों को दबा रहे थे। इसमें बख्तियार खिलजी का भी नाम आता है कि उसने भी उस समय की तमाम जो व्यवस्थाएं थी, इस प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं थी, उसको उन्होंने समाप्त करने का पहल किया था। तो क्या विश्व में और कोई ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने तकरीबन 700 या 800 साल तक बिना रुके बिना थके ज्ञान बांटा? नहीं, अगर नालंदा से तुलना करेंगे तो ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय प्रमाणित नहीं हो पाएगा, क्योंकि नालंदा विगत 700 वर्षों का इतिहास अपने आप में समाहित किए हुए हैं। आप ऑक्सफोर्ड की बात माने या फिर कैम्ब्रिज की बात माने, ये सारे विश्वविद्यालय दुनिया के जो नामचीन विश्वविद्यालय हैं वो भी अभी 700 वर्ष अपने अस्तित्व को पूरा नहीं कर पाए। ये जो देख रहे हैं ना, ये दीवारें जी, ये सारी दीवार उसी समय के हैं। ये पर देख के लगता है कि वर्तमान में बनी होगी। एक बारी में यहाँ पर कितने विद्यार्थी पढ़ाई करते होंगे? 10,000 विद्यार्थियों को यहाँ रहने का था, 2,500 मेंटर उनके शिक्षक आचार्य मान लीजिए। तो
ये कोर्टयार्ड है जैसा कि आपने कहा, और ये पानी का कुआं, तो जाहिर सी बात है कि इसे पानी देखिए आप, पानी तो भी नहीं। आप इधर से जाएंगे तो देखेंगे इसमें अन्नागार था, यहाँ ग्रेनरी, यहाँ पर ग्रेनरी इसको कह सकते हैं। तब ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो विश्वविद्यालय हैं, उनका ब्लूप्रिंट जो है वो यहीं से आया था, यहीं से शुरू हुआ था। तो देखिए वक्त निकल जाता है, उसके अवशेष रह जाते हैं, आज उस काल के हैं, कल हमारे काल के होंगे। आप अभी ऊपर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कमरे में बेड बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ दो बेड है, ये और ये। विद्या, ज्ञान और हमारे समृद्ध इतिहास का अगर कोई दूसरा नाम हो सकता है तो वो है नालंदा। बस यहां आकर आप खोदते जाइए और नालंदा के इतिहास के ज्ञान को अपने झोले में भरते जाइए। जैन धर्म से भी मिल लिया और बोध गया भी हो गया। सभी धर्म कितने खूबसूरत हैं अगर हम उन्हें समझें तो। अगर आपको विभिन्न धर्मों को जानने का जरा सा भी मौका मिले ना तो जरूर जानिएगा, क्योंकि आप ये जान जाएंगे कि हर धर्म एक ही बात कहता है, किसी को हानि मत पहुंचाओ, प्रेम भावना से जियो और हर किसी की इज्जत करो। मैं चलता हूं, अगले एपिसोड में दोबारा आपसे मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि हम अपने भगवान को खुश करने के लिए किसी और के भगवान का अपमान नहीं करेंगे। जिस इज्जत की अपेक्षा हम अपने भगवान के प्रति दूसरों से रखते हैं, दूसरों के भगवान को हम वही इज्जत देंगे। गुड नाइट, शबा खैर।